दिल्ली से सफ़र शुरू होता है हमारा रात के समय, और सुबह होते ही पहुंच जाते हैं हम दोस्तों चकराता। और चकराता पहुंचते ही हमने अपना टेंट लगाया और काफ़ी मज़ा आया हमें वहाँ। और व्यू जो मिला हमें चकराता में, काफ़ी अच्छा व्यू था वो। और व्यू देखने के बाद हम थोड़ी देर बाद निकल गए टाइगर फॉल की तरफ, जहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब था। और ये रहा टाइगर फॉल, जहाँ हमने काफ़ी मज़ा किया। आपको भी ये पूरी वीडियो में नेचर का आनंद उठाना है तो वीडियो में बने रहें। Meanwhile, तो फाइनली दोस्तों हम सब जाने के लिए एकदम रेडी है। ये रखे मेरे पीछे दोनों बैग, जिसमें मैंने अपना सब कुछ सामान इसमें भर लिया है। स्लीपिंग बैग भी इसमें है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई है मैंने। और इसमें मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, डाटा केबल, चार्जर, पावर बैंक, कैमरा वैमरा सब कुछ इसमें ही रखा मैंने। और काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों, ट्रिप में चलते हैं अब आगे, क्योंकि भारत आने वाला गाड़ी लेकर। फिर हमें एक एक करके सबको पिक करना है, तो वहीं जाके गाड़ी में बैठ के आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन जा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों सीधा गाड़ी के अंदर। A few moments later. तो दोस्तों फाइनली सब आ चुके हैं और अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है। ये मैं हूँ और ये अंकित है, हाय। और ये दीपांशु है, ये भारत ड्राइविंग कर रहा है, भारत की गाड़ी में जा रहे हैं। और ये रहा मोहित, मोहित। तो दोस्तों अभी हम हाईवे पर हैं और नाइट का सफर है पूरा, तो नाइट में ज्यादा से ज्यादा हम कवर करेंगे रास्ता, क्योंकि काफी लंबा रास्ता है अभी हम मेरठ हाईवे पर हैं। सुबह होते ही दोस्तों हम पहुंच गए चकराता, जहां पर हमें काफ़ी अच्छा व्यू मिला। लेकिन व्यू के अलावा यहां पर बंजर ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है, जैसा आपको वीडियोस में दिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बंजर ज़मीन है। आप यहां आओगे तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे। पर अपना फोम बिछा लिए, इसके ऊपर हम टेंट लगाने वाले हैं। और यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, और जो कुछ कहना चाहता कोई कह दो। दोस्तों बताओ मैया पूरे दिन क्या करने वाले हैं। सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये नहीं पता करेंगे क्या यहाँ। टेंट लगाएंगे अभी अपना थोड़ी देर बाद। और लेकिन आप भी यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर अपना नेचर का व्यू का फुल ऑन फुल एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय कर रहे हैं हम तो। तो सुबह सुबह हमने यहाँ से नाश्ता खरीदा और उसके बाद हम निकल गए अपने टेंट पर वापस। हेलो हेलो, अरे धूल मिट्टी घुसेड़ दे मैगी में। गाय पन्नी खा गई हमारी। गाय पन्नी खा गई? देख क्या 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 खाया। और इसमें से खाली पन्नी और बॉइल पेपर खा गई। चलो बस शुक्र है पन्नी पन्नी खाई है। आजा आजा। दीपांशु गिर गया सीधा पला। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कितना अच्छा व्यू पॉइंट है। मैं माँ मैं पूरा गीला हो गया। गीला ही होएगा जब यहाँ गिरेगा। तो सुबह सुबह टेंट में मैगी बनाकर खाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो सबको करना चाहिए। अच्छी बात यह मिलने वाली है कि एक भी लोग यहाँ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जब भी यहाँ पर आओगे सारे रोड खाली मिलेंगे, जैसे हमें मिले सारे रोड खाली। गाइस ये देखिए यहाँ पर इंसान तो नहीं है, पर यहाँ गाय बहुत सारी है। और दीपांशु इन सभी को भगा रहा है, क्योंकि हमारे टेंट में घुसने को हो रही है। और ये हमारी मैगी भगा दी। गाय दिख रही है एक भी? थक गया बैठो। बोतल काम आई। A few moments later. तो दोस्तों ये था चकराता, जहाँ पर हम गए थे चिरमिरी पॉइंट में। वहाँ पर कुछ भी नहीं था बंजर जमीन के अलावा। वहाँ पे हम थोड़ी देर मजे करने के बाद निकल गए टाइगर फॉल। तो हम यहाँ टाइगर फॉल तक पहुँच गए और सबने लैट्रिन भी कर ली जब हमने कैंपिंग करी थी। मोहित ने भी करी, भारत ने भी करी, मैंने भी, अंकित ने भी। मैंने तो दो बार करी, दीपांशु की अब तक नहीं आई। वही जब से गैस अपनी छोड़े जा रहा। गाड़ी भी खराब कर दी है। क्या गैस रोक के बैठा था तू दीपांशु? शायद तो चिरमिरी पॉइंट से निकलने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचे हम टाइगर फॉल, जो कि हम ऑफ सीजन में गए थे तो खाली पड़ा हुआ था। काफी मजा आया हमें वहां आकर। फाइनली गाइस हम पहुंच गए टाइगर फॉल और ये देखो कितना प्रेशर है इस पानी में। ये इसके नीचे खड़े हो गए मुझे लग रहा है।
सर फाड़ देगा। चलते हैं आगे, और यहाँ पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। आ जाओ आ जाओ, पूरी बौछारे यहाँ तक आ रही है इसकी। और चप्पल गिर गई। और ये देखिए गाइस, रेन वो बन रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर ऑफ सीजन में आए, कोई भी नहीं है हमारे अलावा। 1 2 3 4 5 काफी मजा आ गया यहाँ पर नहाने में, एकदम चिल्ड पानी है। जब भी चकराता हूँ चकराता में टाइगर फॉल कभी मिस मत करना। चकराता में और कहीं मत जाना, क्योंकि अभी हम जिस जगह गए थे वो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अगर आपको वहाँ कैंपिंग करनी है तो सिर्फ और सिर्फ रात को वहाँ पर स्टे करिए, बाकी वहाँ कुछ नहीं। बोर हो जाओगे, हम सुबह सुबह पहुँच गए और बोर हो गए, और गर्मी इतनी लगी धूप में। तो हमने अपना टेंट वेंट सब पैक करके गाड़ी में पैक करा और यहाँ आ गए। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना, कहाँ जाना है। तो अबे क्या कर रहा है तू अंकित? कच्चा धो रहा अंकित? यहाँ कहाँ कच्चा धो रहा है भाई, तू धो लिया? देखो अंकित कच्चा धो रहा है यही। Meanwhile ये देखो कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, और ढलान भी बहुत खड़ी है एकदम चढ़ाई। लेकिन यहाँ से जो व्यू है ये वाला काफ़ी अच्छा व्यू है। आ जा आ जा, आ जा, सही है। लिया सीधी लिया, अब ना लग रही, लिया ऊपर है। क्या मिला भाई तुम्हें चकराता में? चकराता में कुछ नहीं है, लेकिन चक्कर आता आप गोल गोल रोड चकराता, बस यही इसलिए नाम है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ। बाकी मैंने जनता कॉलोनी, अब एक बात बताओ, तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी कि चकराता आओ, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वो देखिए। अब बताओ तुम्हें यहाँ क्या मिला, बताओ कौन बताएगा? कुछ मिला मोहित? बस यही पे आके थोड़ा सा मजा आया, टाइगर फॉल ही है बस एक, बाकी चकराता में किसी को कुछ नहीं है टाइगर फॉल के अलावा। तो बाकी यूट्यूबरों की वीडियोस देख के चकराता मत आना गाइस, टाइगर फॉल आना हो तो आ सकते हो, बाकी चकराता में कुछ भी नहीं है। मिलते हैं मसूरी जाकर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि हम कैसे मसूरी पहुंचे और वहां पर हमने क्या क्या किया। वहां से हम गए कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया।